नमस्कार दोस्तों, वाइल्ड लाइफ पीडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बाघों की। बाघ पैथेरा टाइग्रिस बिल्ली परिवार पेलिडे का सबसे बड़ा जीवित सदस्य है। यह शिकार करके खाता है। यह एशिया में मुख्य रूप से भारत, भूटान, चीन, कोरिया और साइबेरियाई रूस में रहता है। बाघ एकांत जानवर है। विभिन्न रंगों के बाघ है। कभी कभी सफेद बाघ होते हैं जिनकी काली धारियों के साथ सफेद फर होता है, या यहाँ तक कि शुद्ध सफेद फर भी होता है। उनके पास नारंगी या लाल आंखें हैं। अधिकांश बंगाल बाघों का फर नारंगी रंग का होता है। सफेद कोट हर 100 जन्म में एक बार ही आता है। बंगाल टाइगर बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघों में काली धारियों के साथ नारंगी रंग के गुच्छे और एक सफेद पेट होता है। काली धारियां आमतौर पर नीचे के सफेद भाग तक फैली होती है। धारियों का उपयोग शिकार करते समय उन्हें छलावरण में रखने के लिए किया जाता है। आमतौर पर किसी भी दो बाघों की धारियों का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। बाघ अपनी उपप्रजातियों के आधार पर आकार में भिन्न होते हैं। साइबेरियाई बाघ सबसे बड़े हैं। नर कम से कम 9 फीट या 2.7 मीटर लंबे हो सकते हैं और उनका वजन लगभग 900 पाउंड या 410 किलोग्राम होता है। मादा थोड़ी छोटी होती है। नर के लिए रिकॉर्ड वजन 890 पाउंड या 318 किलोग्राम होने का दावा किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। बाघ विभिन्न आवासों में रह सकते हैं। अधिकतर उन्हें छिपने, पानी के स्रोत के पास रहने और खाने के लिए पर्याप्त शिकार की आवश्यकता होती है। बाघ अकेले होते हैं और वे सभी बड़ी मात्रा में क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, जिसका आकार भोजन और शिकार की उपलब्धता पर निर्भर करता है। टाइगर्स वर्ल्ड के अनुसार एक नर बाघ 60 से 100 वर्ग किलोमीटर या 23 से 39 वर्ग मील के क्षेत्र में रह सकता है और शिकार कर सकता है। एक मादा बाघ के पास 20 वर्ग किलोमीटर 8 वर्ग मील हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के अनुसार एक अकेला बाघ 21 वर्ग किलोमीटर या 8 वर्ग मील से लेकर 995 वर्ग किलोमीटर या 385 वर्ग मील तक के छोटे क्षेत्र में रह सकता है। बंगाल के बाघ विशेष रूप से कई प्रकार के जंगलों में रहते हैं। इनमें असम और पूर्वी बंगाल के आर्द्र सदाबहार गंगा डेल्टा का दलदली मैंग्रोव वन, नेपाल के पर्णपाती जंगल और पश्चिमी घाट के कांटेदार जंगल। चीनी बाघ दुर्लभ होते जा रहे हैं क्योंकि लोग उनकी रेशमी कोट की खाल के लिए उनका शिकार करते हैं और उन आवासों को नष्ट कर देते हैं जिनमें वे रहते हैं। बंगाल के बाघों की सबसे बड़ी आबादी 3,500 है जो जंगल में बचे हैं। बाघों की आबादी को बनाए रखने में मदद के लिए बाघों को अक्सर चिड़ियाघरों में रखा जाता है। बाघों को अगली शताब्दी में जीवित रहने के लिए बाघों की श्रेणी में सरकारों को बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए अधिक दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। 2017 से IUCN ने दो बाघ उपप्रजातियों को मान्यता दी है, जिन्हें आमतौर पर महाद्वीपीय बाघ और सुंदर द्वीप बाघ के रूप में जाना जाता है। शेष सभी द्वीप बाघ केवल सुमात्रा में पाए जाते हैं। जावा और बाली में बाघ अब विलुप्त हो चुके हैं। इन्हें सुमात्रा टाइगर के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय बाघों में वर्तमान में बंगाल, मलायन, इंडो चाइनीज और अमूर्त साइबेरियन बाघ आबादी शामिल है, जबकि कैस्पियन बाघ जंगल में विलुप्त है। माना जाता है कि दक्षिण चीन का बाघ कार्यात्मक रूप से विलुप्त हो चुका है। एक सदी की गिरावट के बाद कुल मिलाकर जंगली बाघों की संख्या ऊपर की ओर बढ़ने लगी है। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत, नेपाल, भूटान, रूस और चीन में बाघों की आबादी स्थिर या बढ़ रही है। अनुमानित रूप से 3,900 बाघ जंगल में रहते हैं, लेकिन अगर हम जंगल में इसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस प्रजाति की रक्षा के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है। दक्षिण पूर्व एशिया सहित कुछ क्षेत्रों में बाघ अभी भी संकट में है और संख्या में गिरावट आ रही है। वन्यजीव पीडिया देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।